बता दिया अपन ने एक लाइन में, क्या है, फर्टिलाइजेशन खत्म। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है, और वो जो सारे प्रोसेस है वो अपन धीरे धीरे से आराम से एकदम मस्त में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ये क्या है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तो खैर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये होता है ओवरीज, है ना, ये होता है ओवरी, और ये पैर में है, इट इज प्रेजेंट इन अ पैर, ठीक है? सो इट इज अ पैर ऑफ ओवरीज। ओवरी में क्या बनता है बच्चा? एग, ठीक है? जो फीमेल गिमिट है वो कहाँ बनता है? वो यहाँ बनता है। अब ये जो फीमेल गिमिट है ये अपनी हीरोइन है, ठीक है? आपको ऐसे याद रखना ये चीज़, ये स्टोरी फॉर्मेट में अपन याद करेंगे। फीमेल गिमिट क्या है? ये अपनी हीरोइन है। अब हीरोइन को टूर करने जाना है, कहाँ जाना है टूर करने? इट हैज टू गो टू द यूट्रस। ये क्या है? दिस इज द यूट्रस, ओके? ये है अपना यूट्रस। अब इसको टूर कर जाना है यूट्रस में। अब खैर आपको पता है एग के पास कुछ फिन विन कुछ या, क्या फिन नहीं, क्या विंग्स तो है नहीं कि वो उड़ के जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको जाने के लिए एक रूट चाहिए। इट हैज इट नीड्स अ रूट, और ये रूट कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। दिस इज वॉट द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। डक्ट मतलब क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग अ रूट ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ जा रहा है ये ट्रांसपोर्ट करके? यूट्रस की तरफ जा रहा है अपना एग, ठीक है? बस एक जो है यही तक पहुंच के खुश है। पर हीरोइन है, हीरो तो चाहिए ना मूवी के लिए, हीरो भी चाहिए अपन को, है ना? तो हीरो कौन है भाई? हीरो है अपना स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट। अब वो कहाँ से एंट्री लेगा? उसको एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा भाई कि क्या है स्पर्म को एंट्री। अब स्पर्म के पास भी सेम थिंग, विंग्स है नहीं, कुछ भी नहीं ना उसके पास, तो उसको भी क्या है एंट्री करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसके पास एक टेल है, पर टेल टेल से भी क्या है एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऐसे टेल से घुमा घुमा के नहीं आ सकता, राइट? तो ऑब्वियसली क्या होता है, सबसे पहले जो है पीनस जो है, इमेजिन दैट दिस इज वॉट पीनस, ये क्या है? पीनस है, पीनस इज वॉट द मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्या है? मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जहाँ से क्या रिलीज होगा बच्चा? स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है? स्पर्म जो है भाई ये अपने चुनु मुनु स्पर्म्स है, वो यहाँ से रिलीज होता है। तो क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे जो पीनस है वो इंसर्ट किया जा रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के वेजाइना में। ये पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं बच्चा? इट इज नोन एज वेजाइना। ये जो आपको दिख रहा है दिस थिंग, दिस इज दी वेजाइना। इस वेजाइना में क्या हो रहा है? द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज इंसर्ट, द मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया इज वॉट इंसर्टेड, ठीक है? अब इंसर्ट कर लिया और वहां से क्या है स्पर्म जो है रिलीज होना शुरू करते हैं। क्या है? स्पर्म जो है रिलीज होना शुरू करते हैं। अब ये स्पर्म जो है इसको एक और पुल जो है वो पार करना है। ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं रहेगा सब कुछ, इसके लिए हीरो है, हीरो के साथ ट्रेजेडी भी होगा ऑब्वियसली। तो ये जो एरिया है सेकेंड वाला जिसको उसको पास करना है अभी, दिस इज नोन एज वॉट? सर्विक्स। ये है अपना सर्विक्स और ये है अपना वजाइना, ठीक है? ये क्या था? दिस इज दी यूट्रस, जहाँ पे अपना एग जो है टूर कर रहे आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। ये क्या है? ये ओवरी है एंड दिस इज द ओविडक्ट। अब ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि भाई स्पर्म आ रहा है मीट करने अपनी हीरोइन को, है ना? तो पर ये इतना प्रोसेस इजी नहीं है, ठीक है? इसमें कुछ कुछ होता है, और वो क्या क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो अगला पेज खोल लेते हैं और यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? किस चीज का डायग्राम बनाएंगे भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ही डायग्राम बनाएंगे। ओके, देखो डायग्राम मेरी थोड़ी बुरी हो सकती है, ठीक है? पर अपन बना के रहेंगे। ये है भाई, ओके, हाँ ठीक ठाक ही बन रहा है, इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, ओके। और यहाँ पे भाई है, ये क्या है? दीज आर दी ओवरीज। ये क्या है बच्चा? ओवरी है। ओवरी के पार आपको दिख रहा है क्या बच्चा? दिस इज द ओविडक्ट। देखो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई मैंने जो है अपने मसल्स दिखाने के लिए ऐसे डोले शोले दिखाने के लिए ऐसा कुछ उठा के रखा है। भाई मेरे पास मसल्स तो है नहीं, पर जिसके पास है वो इमेजिन कर सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखता है अपना क्या? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब लेट्स व्हाट लेबल सर्टन थिंग्स, सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये अपना ओविडक्ट है, एग्री? ओविडक्ट के बच्चा तीन पार्ट्स है। क्या है? तीन पार्ट्स है।
ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद एक ब्रॉड एरिया था, थोड़ा मोटा एरिया आता है, उसको बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पतला सा नैरो एरिया आता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, इस्थमस, इट इज नोन एज इस्थमस। और ये कौन है भाई, ये अपना ओवरी है। अब देखो ओविडक्ट को क्या चाहिए, ओविडक्ट को चाहिए हीरोइन, दैट इज अपना एग, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा है ये एग। तो उसको लेने के लिए क्या करेगा, ये जो ये बहुत बहुत चालाक है, ठीक है, अपना ओविडक्ट बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, इनफंडिबुलम के एंड में एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन रखा हो उसने, ठीक है, क्या है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, जो है ना ओवरी को ऐसे मसाज करेगा, भाई दे दे तुझे फ्री में मसाज, तो मैं दूंगा नहीं, मुझे क्या है, मुझे एग चाहिए और तू ले ले मसाज, ठीक है। तो क्या होगा, ये मसाज करते करते, एक्चुअली इट इज नॉट मसाजिंग, दिस इज जस्ट अ वे फॉर टीचिंग यू गाइस, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्चुअली ऐसे मूव कर रहा है, और मूव करते करते देख रहा है कि भाई ओवरी ने अगर एग रिलीज करा तो वो एग जो है कैप्चर कर ले और उसको क्या है ले जाए, कहाँ पे ले जाए बच्चा, एम्पुला में। तो एक चीज आपको याद रखना है कि भाई एम्पुला तक अपन को हीरोइन को पहुँचाना है, एम्पुला जो है बहुत सेफ स्पेस है हीरोइन को पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये है, दिस इज द टारगेट, यहाँ तक अपन को पहुँचाना है, दिस इज द टारगेट। पर क्या ये इजी है, नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखो ओवरी के अंदर एग कैसे फॉर्म में रहता है, ओवरी के अंदर एग जो है ग्राफीन फॉलिकल के अंदर रहता है, क्योंकि पूरे ग्राफीन फॉलिकल के क्या है, अंदर रहेगा। अब आप पूछोगे मैम ग्राफीन फॉलिकल क्या है, बहुत इजी चीज़ है, अभी अभी आपको समझाने के लिए आई एम मेकिंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज व्हाट द ग्राफीन फॉलिकल, इसको मैं इनलार्ज करके यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ठीक है। जस्ट थिंक कि भाई अंदर क्या है, अंदर मेरा है ऊसाइट, क्या है ऊसाइट, जो आगे जाके मेरा एक पक्का पक्का क्या है ओवम बनेगा, ठीक है, ओटिड बनेगा, ठीक है। ये भी ऊसाइट है, अभी पक्का पक्का एग सेल नहीं है, ये अपना हीरोइन नहीं है, हीरोइन जो है ठीक है, अभी के लिए आप इसको हीरोइन भी मान लो, ठीक है, हीरोइन का ड्यूप है, असली वाली हीरोइन नहीं है, बस इसी से पर हीरोइन बनेगी, ठीक है, इसी से हीरोइन बनेगी। अभी के लिए आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, ऊसाइट है, कैसा ऊसाइट है, इस सेकेंडरी ऊसाइट, नाम याद कर लो, दिस इज व्हाट सेकेंडरी ऊसाइट, कहीं लिख दूं क्या मैं, लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, दिस इज व्हाट सेकेंडरी ऊसाइट, जो आगे जाके क्या बनाएगा, कुछ बनाएगा, ठीक है, अभी तक बनाया नहीं, आगे जाके अपनी हीरोइन जो है, असली वाली हीरोइन जो है वो बनाएगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है भाई, दिस इज हीरोइन ना, एज ऑफ नाउ वो है हीरोइन, तो इसको क्या है प्रोटेक्शन चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। तो बॉडीगार्ड के लिए सबसे पहला बॉडीगार्ड कौन है भाई, सबसे पहला बॉडीगार्ड है अपना जोना पेलुसिडा करके क्लियर है, ठीक है, क्या है जोना पेलुसिडा, बना देते हैं वो चीज, आहा ये कौन है भाई, ये प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड है इसका, सबसे पहला बॉडीगार्ड है, दैट इज जोना पेलुसिडा, नाम लिख देते हैं, ओके, ये क्या सेल से बना है, नहीं भाई ये ए सेलुलर है, सेल से नहीं बने हुए, जेली लाइक लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है बस, ठीक है, ये है फर्स्ट बॉडीगार्ड। अब पर इससे ना कुछ ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं, तो अपन को एक और बॉडीगार्ड चाहिए, ठीक है। हीरोइन बोलती है कि मैं, मेरे को जो है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, मैं बहुत रिस्क में हूँ, तो मुझे एक और बॉडीगार्ड चाहिए। तो उस बॉडीगार्ड का नाम है भाई कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कैसे बनता है भाई, बहुत सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, ग्रैनुलर सेल्स बोलते हैं उसको, वो ऐसे गुच्छे में आ जाते हैं, क्या है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना के एक लेयर बना देते हैं, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड जोना पेलुसिडा, ओके, ये क्या है, दिस इज कोरोना रेडिएटा, इसको क्या बोलेंगे, इसका भी नाम रखेंगे अपन, सबका अपना अपना नाम होना चाहिए, राइट, तभी तो मजे आएंगे, दिस इज कोरोना रेडिएटा। अब देखो इतना चीज याद रखना कि भाई ये तीनों जो है साथ में ही घूमते हैं, ये तीनों जो है कभी अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, दोनों साथ में ही घूमेंगे, बिकॉज ये क्या है बॉडीगार्ड्स है, ये दोनों क्या है बॉडीगार्ड्स है, किसके, हीरोइन के, अपनी हीरोइन जो है उसके बॉडीगार्ड है, याद रहेगा ये, क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि बस इससे खत्म नहीं हुआ है, और भी सेल्स है, क्या है, कौन से सेल्स है बच्चा, इसके अराउंड बच्चा और भी सेल्स रहेंगे, यहाँ पे आपको क्या है
और भी बहुत सारे चुनू मुनू, या फिर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लेट मी चेंज द कलर जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या है चुनू मुनू मिलेंगे, देखो टाइम जा रहा है पर अपन को क्या है, अपन को क्वालिटी में पढ़ाना है और पढ़ना है ना, समझ के पढ़ना है। ये क्या है, ऐसे सेल्स है बहुत सारे, कुछ कुछ जो है इधर भी है बिखरे हुए हैं भाई, ठीक है इधर भी कुछ कुछ बिखरे होंगे, और बाकी आपको जो खाली स्पेस दिख रहा है ये क्या है, खाली स्पेस बनाएंगे अपन ऐसे ही, सबको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, खाली स्पेस तो बन के ही रहेगा। ठीक है, ये खाली स्पेस है, इधर भी बच्चा बहुत सारा खाली, सब जगह आपको खाली स्पेस ही मिलेगा। ओके, ये इसको बोलते हैं एंट्रम, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, एंट्रम एंट्रम एंट्रम, लिख दे कहाँ लिखे अपन, यहाँ लिख दे अपन, दिस इज एंट्रम, ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो मैं बना रही हूँ उसमें ये एंट्रम जो है बड़ा हो जाता है, पहले जो है एंट्रम छोटा रहता है फिर क्या है बड़ा हो जाता है। अब देखो इसके बाहर एक थेका लेयर होगा, क्या है थेका लेयर होगा, दो थेका लेयर है, एक नहीं दो है, तो पहले अपन बनाएंगे एक थेका लेयर किस कलर से बनाया जाए, ठीक है ये जो बच्चा, दिस इज वॉट वन थेका लेयर जिसको बोलते हैं इनर थेका लेयर, क्या है ये, दिस इज द इनर थेका लेयर, ये कहाँ लिखे हैं बाबर, यहाँ लिख देते हैं, इनर थेका लेयर, ठीक है ऐसे आपको एक एक जो इमेज है एकदम पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक है इसके बाद एक और थेका लेयर है, अब वो कैसे कलर से बनाएंगे अपन बताओ, येलो से बना दूँ चलेगा, चलाना ही होगा और कोई कलर तो है नहीं अपने पास, ठीक है ये क्या है, दिस इज आउटर थेका लेयर, दिस इज आउटर थेका लेयर। अब इन सबको साथ में क्या बोलेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, ग्राफिन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल, क्या बोलेंगे ग्राफिन या फिर मैच्योर फॉलिकल, ये कहा लिखो ऊपर लिख दू, ग्राफियन या फिर मैच्योर फॉलिकल, अब इसको डबल में कर लेते हैं ताकि भाई समझ में आ जाए कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है और ये है ये चीज पूरा। अब देखो अपनी काम की चीज क्या है, अपनी काम की चीज सिर्फ इतनी है, ठीक है कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी, ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो तीन लोग हैं, वन अंदर वाला येलो, टू थर्ड वाला अपना सेकेंडरी साइड, तीन जो है हमेशा साथ साथ में घूमते हैं, ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, मैच्योर फॉलिकल, अब क्या है मैच्योर हो गया है फॉलिकल, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन मैच्योर या फिर ग्राफिन फॉलिकल, वो कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है ओवरी के एकदम बाउंड्री में, कि जो अपना ग्राफिन फॉलिकल ऐसा रुका हुआ है कि भाई आज तो क्या है, आज तो अपन को सी ऑफ करना पड़ेगा अपनी राजकुमारी को, दैट इज हीरोइन को ऑब्वियसली, तो ये थोड़ा दुखी है पर इसको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्या कर सकते हैं, तो धीरे जो है अटैच हो जाता है किसे, ओवरी के वॉल से, ठीक है और फिर जो ग्राफिन फॉलिकल बच्चा या फिर मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर लोग होते हैं ना वो समझ जाते हैं सब कुछ और उसको उनको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ जाते हैं, तो ये जो मैच्योर फॉलिकल है इट विल बर्स्ट ओपन, क्या है इट विल बर्स्ट ओपन एंड इट विल रिलीज दिस पर्टिकुलर थिंग आउटसाइड, कहाँ पे आउटसाइड, इट विल रिलीज द सेकेंडरी ओसाइड द जोना पेलोसोडा एंड द कोरोना रेडिएटेड रेडिएटा आउटसाइड, एंड हु विल क्रैक दिस, फिम्रे जो इसी के लिए तो इंतजार कर रहा जी जिंदगी भर, वो जो है इसी के लिए इंतजार कर रहा था ये एक दिन आएगा कि मैं हीरोइन को जो है छू पाऊँ, तो हीरोइन को उसने क्या छू लिया और ले लिया भाई अंदर, ठीक है अंदर क्या है इनफंडिबुलम की ओर ले गया, और फिर इनफंडिबुलम से कहाँ ले गया भाई एम्पुला में, कहाँ ले गया एम्पुला में, तो यहाँ पे कौन आ गया बच्चा, अपना अपना एग आ चुका है,
ठीक है, अपना एग या फिर हीरोइन जो है भाई वो आ चुकी है, तो मैं बना दूँ ऐसे कुछ, समझ में आ जाएगा ना आपको। दिस इज आवर एग, ठीक है, लिख दूँ मैं यहाँ पे एग। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस प्रोसेस वेर दी मेच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल जो है टूट रहा है, रप्चर हो रहा है, इसको बोलते हैं रप्चर होना, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो जो अपना एग है इट इज गेटिंग रिलीज, इट इज नोन एज ओविलेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ओविलेशन। ये रप्चर हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है इधर की तरफ, इसको बोलेंगे अपन ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन कब होता है, यू माइट बी नोइंग दैट कि LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका सर्ज होता है, मतलब वो बहुत हाई अमाउंट में क्या है, बढ़ जाता है। कहाँ लिखूँ ये चीज, कैन आई राइट इट हियर? ल्यूटिनाइजिंग करके एक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है, उसका क्या है बहुत हाई अमाउंट हो जाता है, बहुत हाई अमाउंट हो जाता है, और वो सिग्नल देता है भाई फॉलिकल तू अब चाहिए रप्चर हो जा, तू जो फॉलिकल है भाई तुम क्या हो, रप्चर हो जाओ। और रप्चर होके क्या निकालो भाई, रप्चर होके एग को जो है रिलीज कर दो, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चा अपन ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है बच्चा, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान क्या है, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है सब जगह से क्या है रिलीज होना शुरू करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब व्हाट से, हाँ प्रोजेस्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है रिलीज होना शुरू करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, ये सब कुछ जो है रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है भाई, ये जो बाकी ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है दैट इज़ अपना सेकेंडरी ऊसाइड, जोना पेडिसडा और कोरोना रेडा को छोड़कर बाकी लोग जो बचे हैं वो उनको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, गुस्से में आके सारे रिलीज हॉर्मोन्स जो है रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसको क्या बोलेंगे आगे जाके, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए आज बहुत अजीब लग रहा होगा, पर बच्चा लोग आराम से पढ़ो, इजी है, ठीक है। क्या है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टन हार्मोन्स सच एज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, जो काम की चीज़ है। क्या है, जो कि काम की चीज़ है, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या काम करते हैं लोग, पर एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि ये लोग हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बच्चा, ये अपना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी है उसके अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स है, ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं, ठीक है, अराउंड 60 to 80 व्हाट से फॉलिकल्स रहेंगे, बहुत सारे, ठीक है। उसमें से क्या है, एक जो है हर मंथ जो है मेच्योर हो जाता है, हर मंथ जो है एक फॉलिकल जो है मेच्योर हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ले लेगा अपने आप का। उसके बाद ये जो फॉलिकल है ये क्या है, रप्चर होगा। क्या होगा? रप्चर होगा। क्यों रप्चर होगा बच्चा? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बहुत हाई अमाउंट में हो जाता है, और जैसे ही हाई अमाउंट में होगा वैसे क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा और अपना एग जो है रिलीज करेगा, हीरोइन को रिलीज करेगा, पर हीरोइन के साथ साथ क्या है बॉडी गार्ड्स भी रहेंगे, ऐसे छोड़ ना बाहर जा रहे हैं, बॉडी गार्ड्स भी तो रहेंगे। कौन है बॉडी गार्ड्स? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। याद रहेगा क्या, कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं उनको, राइट इट हियर। जो भी फॉलिकल्स है, फॉलिकल अराउंड जो भी सेल्स दिख रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, याद रखना सब जो है, ओके इतना याद रहेगा। और ये क्या है, एम्पुला में जाके बैठ जाएगा, एम्पुला में जाके हीरोइन जो है बैठ जाएगा और बोलेगा आज मेरा हीरो आएगा, आज मेरा हीरो होगा, पर पता नहीं कब आएगा, ठीक है। और लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई जो एग है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही वेट करेगी। क्या है? 24 आवर्स ही उसका टाइम है वेट करने का, नहीं भाई फर्टिलाइज होने का, ठीक है, सिर्फ 24 आवर्स जो है वो दिया गया है। ऐसा पता है ना आपको, लड़कियाँ बहुत हाई डिमांड करती है, राइट, ऑब्वियसली इनकी डिमांड्स बहुत हाई रहता है। सिमिलरली क्या है, इनकी भी बहुत डिमांड जो है हाई है, वो बोलता है भाई 24 आवर्स में मिलना है तो मिलो, नहीं तो फिर मत मिलो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा, ठीक है। तो हियर क्या है, फॉर 24 आवर्स ओनली इट वेट्स, जस्ट रिमेंबर दैट, मतलब इट इज 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर क्या है नहीं होता है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। अब ये हो गई बच्चा लोग अपनी हीरोइन की कहानी।